Um, सभी ने प्रश्न सुना जब भी बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस आए हैं आपके जीवन में पास्ट में तो उससे नेगेटिव संकल्प तो पैदा होते हैं तो उससे फ्री कैसे होना मैं थोड़ा आपका प्रश्न का थोड़ा एक्यूरेट बनाती हूँ सिचुएशंस तो होंगे हमारे जीवन में नेगेटिव या पॉजिटिव क्योंकि वो पोलर एनर्जी है ह्यूमैनिटी ह्यूमन एनर्जी ड्युअलिटी um, दुविधा की एनर्जी है कभी कभी खुश कभी गम कभी गम कभी प्रेज कभी डेफेमेशन कभी विक्ट्री कभी डिफीट ये एक नेचुरल एनर्जी का फ्लो है ठीक है लेकिन हमने जब भी बहुत समय एक नेगेटिव सिचुएशंस में पास किया है तो क्या होता है हमारे में दुख भरता है यू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लोली तो वो दुख वो नेगेटिव सिचुएशन का जो प्रभाव है औरों के संकल्प जो आए हैं आपके प्रति वो दुख नेगेटिविटी को रिसाइकल करता है इसीलिए नेगेटिविटी से फ्री होना है तो दुख को मिटाना है गेट माई पॉइंट दुख को मिटाने के लिए चलो हम इंग्लिश में कहते हैं हीलिंग नीड टाइम टू हील ये आती है आत्मा परमात्मा के संबंध में जो आप रियली really, इतना आप एक बच्चा छोटा बच्चा बन जाओ और परमात्म शक्ति आप अपने मन में लेकर के आओ तो वो शक्ति एक ब्लॉटिंग पेपर बन जाती है पता है जब इंक आप इंक जब पेपर में आता है तो ब्लॉटिंग पेपर डालते हो ना इंक को हटाने के लिए परमात्मा की शक्ति ऐसा काम करती है पूरा आत्मा में जो दुख दर्द होता है उसको ब्लॉट आउट कर लेती है इसीलिए उस संबंध को टाइम देना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है यू नीड टाइम आउट विथ योर पेरेंट चूस लेंगा गारंटी है लेकिन ध्यान चाहिए क्या है कभी कभी इतना दुख भरा हुआ है आत्मा में कि हम फेस नहीं कर पाते खुद को फेस नहीं कर पाते जैसे हमको डिस्ट्रेस बना देती है ना और फिर हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के स्ट्रेटजीज बना देते हैं हमारे जीवन में क्योंकि इस दुख से हमको डिस्ट्रैक्टेड रहना है तो हम बाहर मुक्ता में ज्यादा आ जाते हैं अंडरस्टैंड आप यहाँ आए हो आप मेडिटेशन सीख रहे हो आप ये संबंध की विधि सीख रहे हो द बेस्ट थिंग फॉर हीलिंग इसको आप सुबह के टाइम आप अपने आप को टाइम देंगे आधा घंटा थर्टी फोर्टी मिनट्स इज नेसेसरी एवरी मॉर्निंग कंपल्सरी मन को कम से कम दस पंद्रह मिनट चाहिए सेटल होने में फिर कनेक्शन बनाने में फिर पावर लेने में टाइम लगता है और जब आप बहुत साल के अनुभवी बनेंगे तो एक सेकंड में यू अंडरस्टैंड लेकिन शुरुआत में आपको खुद को परमात्मा को टाइम देना होगा इसलिए मैं ऑलवेज एडवाइस देती हूं द मोमेंट यू ओपन योर आईज डोंट टच योर मोबाइल फोन इट्स द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन गुड मॉर्निंग सोल के बिना गुड मॉर्निंग गॉड के बिना गुड मॉर्निंग मोबाइल फोन होता है और तुरंत आपकी मन की एनर्जी दस बातों में एंगेज हो गई प्लग इन हो गई फिर वही चलती है बात फोकस इन द डे शक्ति नहीं ले पाएंगे क्योंकि कर्म फिलोसफी के आधार से आपने पहले ये छेड़ा कर्म फिलॉसफी के आधार से आप पहले भगवान को याद करेंगे ही इज रिस्पॉन्सिबल वेरी सटल इसीलिए सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक वीक के लिए घर जाकर के इस बात को ट्राई करो आप देखो सारा दिन का मूड कांस्टेंट रहेगा ये मदद करता है और शाम के समय वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि शाम के समय क्या होता है जो सारे दिन की जो सीन सी सीनियरिया होती है ना इमेजेस जैसे मन एक स्नैपशॉट लेता है चलो ये, ये हुआ ये हुआ ये हुआ पूरी फोटो एल्बम भरी हुई है यहाँ पे स्लाइड शो आपने देखा होगा अभी स्लाइड शो जब एक इमेज एक के ऊपर एक के ऊपर होता है तो कैसा लगता है कंफ्यूजिंग लगता है ना तो बेचारा मन की स्थिति ऐसी होती है एट द एंड ऑफ द डे उसको क्लियर आउट करना है ऐसी स्थिति में कभी नहीं सोना है हम क्या करते हैं काम से आते हैं सिर्फ टीवी ऑन करते हैं राइट right? टीवी ऑन तो और ज्यादा इमेजेस आए फिर मन इतना भारी हो जाता है फिर हम नींद कर लेते हैं और वो नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती है आप ड्रेनड आउट बन करके फिर आप नींद पे जा रहे हो तो नींद के समय क्या होता है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी बातें भरी हुई है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है आपका जो सबकॉन्शियस है वो पूरा जो दिन भर का इंफॉर्मेशन है जो आपने क्लियर आउट नहीं किया है वो उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है इसलिए ड्रीम्स आते हैं सपना आते हैं और वो भी बुरे बुरे सपने आते हैं और फिर नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो आपको रिफ्रेश फीलिंग नहीं आती है राइट right? फिर वही एनर्जी से उठते हैं वो एनर्जी दिन भर में एक साइकिल बन जाता है डिप्रेशन का साइकिल शुरू हो जाता है हमारी दादी ने हमको ये बात पक्की कराई है कि सोने के पहले थोड़ा योग करो युक्ति रचो थोड़ा लेटर लिखो भगवान को एक योग करके मन को क्लीन क्लियर बना करके सो जाओ कभी थकान में नहीं सो क्योंकि वो और थकान पैदा करती है ओके okay.